नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चरण में आपका स्वागत है। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज हम कुंभ राशि वाले जातकों का जून माह के फल का विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। जिनको अपनी राशि और लग्न नहीं पता है, वे लोग जिनका नामाक्षर ग और स और दा से प्रारंभ होता है, वे लोग भी इस फल को सुन सकते हैं। प्रकट कुंडली कुंभ लग्न की लग्नेश लग्न में विराजमान है। यद्यपि लग्नेश व्यय स्थान के भी स्वामी है, किंतु लग्न का लग्नेश का लग्न में ही होना लग्न को बली करता है। तो आपके आत्मविश्वास में, आपके अचीवमेंट में बहुत सफलता आपको मिलेगी। जो कुंभ राशि वाले जातक और लग्न वाले जातक हैं और जो जॉब चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति सूर्य और बुधनी दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव का स्वामी मंगल भी लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, लग्नेश को भी देख रहा है, तो आपके जॉब का योग बनता है। भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह पंचमेश बुध की दृष्टि भी लग्न को दशम भाव को देख रही है, तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आपको जरूर इस जून माह में नौकरी मिलेगी। जो कुंभ लग्न का व्यापारी वर्ग है, उसको व्यापार में भी उन्नति प्राप्त होगी, क्योंकि एकादशेश बृहस्पति जो इस भाव के स्वामी हैं, वो अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। यह आपके कस्टमर का स्थान है और इसका पंचम स्थान माने इसका लक्ष्मी स्थान, धन स्थान पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपको बहुत व्यापार में लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही जब बुध पंचम भाव में आ जाएंगे, तब इस एकादश भाव को देखेंगे, तब भी बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। केतु भाग्य भाव में बैठकर के भाग्यशाली योग तो बना रहे हैं, पिता से थोड़ा मनमुटाव रहेगा या पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा परेशानी आएगी, तो पिता के स्वास्थ्य के लिए गणपति का चित्रपट या गणपति का फोटो अपने टेबल पर रखें, जिससे आपका जो भाग्योत्तम, क्योंकि मकर लग्न के कुंभ लग्न के लिए केतु और राहु बहुत विशेष फल देने वाले होते हैं, तो इनके अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको भगवान गणपति की उपासना करनी चाहिए। साथ ही हनुमान जी का भी पाठ करें तो आपको मंगल और शुक्र का भी लाभ यहाँ से मिलेगा, क्योंकि दशमेश जॉब में कर्म क्षेत्र में जो है नौकरी का जो स्थान में वहां बैठा हुआ है, ये आपके ऋण रोग शत्रु इन सब का शमन भी करेंगे। 4, 5, 13, 14, 15 आपके लिए बहुत शुभ है। 7, 8, 16, 17, 26, 27 को संभाल करके व्यवहार करें तो यह जून माह आपका उत्तम उत्तम निकलेगा। जय जय श्री राधे।